हेलो फ्रेंड्स, इंग्लैंड से जो न्यूज़ आई वो किसी भी तरह से अच्छी नहीं थी। इतनी अच्छी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका फिनाले बिल्ड हुआ था कि क्या इंडिया जीतेगा इतने सालों के बाद इंग्लैंड में सीरीज, या फिर इंग्लैंड उस सीरीज को 2-2 से ड्रॉप कर पाएगा, तो वो कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि टेस्ट मैच बिना एक भी बॉल हुए कैंसिल कर दिया गया। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ। एक दिन पहले से इसको लेकर लग रहा था कि टेस्ट मैच होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर जब सारे प्लेयर्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो ये उम्मीद हो गई थी कि फिर तो टेस्ट मैच हो सकता है। लेकिन फाइनली मैच शुरू होने से एक घंटे पहले जो न्यूज़ ब्रेक हो गई कि अब ये मैच नहीं हो रहा, तो उसने एक तरह से सभी का दिल तोड़ के रख दिया कि ये क्या हुआ, अब ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये गेम पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड डिजर्व करता था, जो एक इतनी अच्छी एक इंटेंस सीरीज चल रही थी तो होना चाहिए था। लेकिन अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ, ये इस मैच अबेंडन क्यों हुआ। इनफैक्ट अभी हमारे पास वो वर्ड ही नहीं है जो हम इस मैच के लिए यूज़ कर सकें। इंग्लैंड या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ECB फोरफीट टर्म यूज़ किया करना चाहता है, क्योंकि इंडिया ने इस मैच को खेलने से मना किया। इंडिया इस मैच को अभी पोस्टपोन वर्ड यूज़ करना चाहता है, जिससे कि इस मैच को बाद में कराया जा सके। तो पहले तो हम इन इवेंट्स को देखते हैं कि क्या क्या हुए शुरू से लेकर अब तक। ये शुरू हुआ था कि जो फोर्थ टेस्ट था जो ओवल में हुआ, उससे जस्ट पहले रवि शास्त्री कोविड पॉजिटिव आए, और उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स थे, जो कि इंडिया के बॉलिंग कोच हैं भरत अरुण और जो फील्डिंग कोच हैं श्रीधर, वो भी पॉजिटिव आए और उनको आइसोलेट किया गया, और ये लोग टीम के साथ ट्रैवल करे ही नहीं फोर्थ टेस्ट के लिए, जो कि ओवल में हुआ। विक्रम राठौर अकेले थे, जो कि एक सीनियर कोचिंग मेंबर्स में से टीम के साथ जुड़े हुए थे फोर्थ टेस्ट में। हुआ इसलिए था ये क्योंकि एक बुक लॉन्च इवेंट था, जिसको कि पूरे इंडियन कंटिंजेंट ने अटेंड किया था, और वहां पर काफी सारे गेस्ट भी थे जो कि बिना मास्क के थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि UK में कोविड नॉर्म्स अब रिलैक्स कर दिए गए हैं, सभी लोग वहां वैक्सीनेटेड हैं, ऑलमोस्ट ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो अब वो लोग कोविड फ्री एनवायरमेंट से ज्यादा कोविड मैनेज एनवायरमेंट में बिलीव कर रहे हैं, और कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें किस तरह से उसको मैनेज करें। तो वहां से कहा जा रहा है कि इंग्लैंड जो टर्म यूज कर रहा है रवि शास्त्री के लिए, पेशेंट जीरो, मतलब वहां से चेन शुरू हुई। तो जब ये लोग पॉजिटिव आ गए, इनको एक अलग एनवायरनमेंट में रख दिया गया। उसके बाद जो इंडिया के फिजियो थे नितिन पटेल, वो भी आइसोलेटेड थे, वो भी टीम के साथ ट्रैवल नहीं करे। तो जो इंडिया के जो असिस्टेंट फिजियो हैं परमार, सिर्फ वो ही फोर्थ टेस्ट में टीम के साथ थे। अब रोहित शर्मा को निगल है, बुमराह को है, शमी को है, ईशान शर्मा को है, पुजारा को है, रविंद्र जडेजा को है। टीम के काफी सारे प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हैं और दे आर कैरिंग अ निगल। तो ऐसे में फिजियो का होना टीम के साथ बहुत जरूरी है। तो जब इस टेस्ट से जस्ट पहले, फिफ्थ टेस्ट से एक दिन पहले, जब ये आ गया कि जो टीम के असिस्टेंट फिजियो हैं परमार, वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो टीम को एक तो ये टेंशन हो गई कि अब किस तरह से हम लोग को कौन मैनेज करेगा 5 दिन के लिए। तो चलो, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन टीम को ये भी बोल दिया कि हम आपको अपना एक फिजियो प्रोवाइड कर देंगे, हु विल लुक आफ्टर फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 5 डेज। ठीक है, लेकिन जो अब बातें निकल कर आ रही हैं, जो ECB के जो CEO हैं टॉम हैरिसन, उन्होंने स्काई स्पोर्ट्स, जो कि इंग्लैंड का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है, उनको जब उन्होंने एक डिटेल्ड इंटरव्यू दिया, अपनी सारी बात रखी, तो जो बातें उन्होंने बोली वो पेनफुल हैं, अनफॉर्चुनेट हैं। इंडियन बोर्ड और इंडियन टीम के लिहाज से जो उन्होंने बोला, अगर वो सब सही है तो वो थोड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल भी है। अगर हम उसको एक न्यूट्रल फैन की तरह देखें, जो कि एक क्रिकेट लवर है, तो ये ठीक नहीं था जो कि इंडियन टीम के पार्ट पे किया गया। जो टॉम हैरिसन ने बोला है कि मैच जो अबेंडन हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि इंडियन टीम रिलक्टेंट थी फील्ड पे जाने के लिए। उनका सबसे बड़ा डर यही था कि क्या अगर अगले 5 दिन में से हम में से कोई भी पॉजिटिव आ जाता है तो क्या होगा। एक दिन पहले हमें याद रखना चाहिए कि सारी टीम कोविड नेगेटिव आ चुकी है, सिर्फ असिस्टेंट फिजियो पॉजिटिव आए थे, सारी टीम नेगेटिव थी, तो मैच वॉज गोइंग टू बी हेल्ड नेक्स्ट डे, ये सब क्लियर था। लेकिन जो टॉम हैरिसन ने बोला
कि एक दिन पहले जब लंच हो रहा था उसी टाइम से हमें लगने लगा था कि इंडियन टीम को एंजाइटी है, और एंजाइटी यही है कि क्या होगा अगर हम लोग में से कोई भी मैच के बीच में पॉजिटिव हो गया। इंग्लिश बोर्ड ने काफ़ी कोशिश करी कि टीम को, इंडियन टीम को किसी भी तरह से समझा दिया जाए कि नहीं, हम लोग हर तरह से मैनेज करेंगे। उन्होंने एक इनफैक्ट एक मेडिकल टीम को भी बुलाया कि आप देखिए आपकी सारी क्वेरीज को ये सेटल करेंगे। लेकिन जो एक सबसे बड़ा मसला है, जो एक सबसे बड़ा ग्लिच था, एक हिंड्रेंस था, ऑब्स्टिकल था, वो ये कि 10 दिन बाद आईपीएल शुरू होना है और यूके के जो रूल्स हैं कोविड को लेकर, इंटरनेशनल रूल्स वो हैं कि अगर जो भी कोई कोविड पॉजिटिव है तो वो अगले 10 दिन तक ट्रैवल नहीं कर सकता, कंट्री के बाहर तो बिल्कुल नहीं कर सकता, और उसके 2 कंजेकटिव कोविड रिजल्ट्स नेगेटिव आने चाहिए, उसी के बाद वो ट्रैवल कर सकता है। तो इंडियन टीम का सबसे बड़ा इशू यही था कि अगर हम में से कोई भी पॉजिटिव आता है, क्योंकि मैच ये शुरू हो रहा था 10th of September को, मान लीजिए कोई 12th of September को पॉजिटिव आता है तो आईपीएल का जो वापस से जो पहला मैच होगा, जो सेकंड फेज है आईपीएल का, उसका पहला मैच होना है 19 सितंबर को, तो वो तो फिर 19 सितंबर को हो ही नहीं सकता, वो कैसे होगा। तो ये सबसे बड़ी जो टेंशन की बात थी ये इंडियन मैनेजमेंट को थी, इंडियन प्लेयर्स को थी। अब इस बात को ओपनली कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा, लेकिन ये एक सेल्फ अंडरस्टूड है। ईसीबी के सीईओ ने ये बोला कि मुझे नहीं लगता कि आईपीएल रीजन हो सकता है। उन्होंने ये बोला कि प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि वो इतने टाइम से बायो बबल में रह रहे हैं, तो उनको लग रहा होगा कि भाई अगर किसी पेशेंट को फिजिकल इंजरी है तो आप उसको समझ सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन अगर किसी के दिमाग में अगर कुछ आ गया है, कोई डर आ गया है, तो आप उसको नहीं समझा सकते, उसको नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने उस चीज़ को डाउन प्ले करने की ही कोशिश की है, क्योंकि अगर ये बात ओपनली इस तरह से आ जाए कि आईपीएल को लेकर प्लेयर्स स्केप्टिकल थे, तो वो बहुत ही बुरा लगेगा, अकली लगेगा, क्योंकि इस वक्त हम बातें भी वैसे भी इस तरह से करते हैं कि भाई जब आप खेल रहे हो तो कंट्री के लिए खेल रहे हो, ऑल्दो जस्ट अ स्पोर्ट, एट द एंड ऑफ द जस्ट अ स्पोर्ट, लेकिन हम उसको देखने इस तरह से लगते हैं कि भाई ये तो एक देशभक्ति वाली चीज़ है या एक पेट्रियाटिक चीज़ है, आप देश के लिए खेल रहे हो तो आप ऐसा कैसा कर सकते हो। उस चीज़ को हम वहां तक नहीं लेके जाएंगे, लेकिन हाँ एक जो सवाल आता है कि मान लीजिए ये जब आईपीएल चल रहा होगा या पहले चल रहा था, तब भी क्या लोगों ने उसको इस तरह से बीच में रोका? मुझे नहीं लगता कि जब आईपीएल में भी इस तरह से आएगा तो कोई उसको ऐसे रोक सकता पाए रोक पाएगा बीच में मैच के। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक रीजन था कि मेंटल हेल्थ वाला। इंडियन टीम इतने टाइम से इंग्लैंड में है, पिछले 3 महीने से थी, तो वो एक मैच और पूरा कर सकती थी, 5 दिन और निकाले जा सकते थे। लेकिन इस तरह से जो फैंस के साथ जो हुआ, जो लोग इस पूरी सीरीज में हमने देखा, टेस्ट क्रिकेट को हम लोग एक दिन पहले तक मैं बहुत खुश था इस बात से कि विराट कोहली की माइकल वॉन ने तारीफ की, शेन वॉन ने तारीफ की, माइकल होल्डिंग ने तारीफ की कि भाई विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं, वो पोस्टर बॉय हैं टेस्ट क्रिकेट के, हमें उनको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए उनके मैनरिज्म्स को लेकर, उनके सेलिब्रेशंस को लेकर, बिकॉज वर्ल्ड क्रिकेट नीड्स कैरेक्टर लाइक हिम, ये सब ने बोला। लेकिन एक दिन बाद ही जो हमने देखा, जो सुनने में आया है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में भी है, कि कोहली ने ही पूरी टीम को लीड किया था इन डिस्कशंस में बीसीसीआई के साथ कि हम लोग रिलक्टेंट हैं इस मैच को खेलने के लिए, हमें नहीं पता क्या होगा अगर कोई प्लेयर बीच में पॉजिटिव आ गया इन 5 दिनों में। तो उसके बाद बहुत कोशिशें हुई बीसीसीआई की तरफ से भी, लेकिन वो इंडियन टीम को नहीं समझा पाए इस बात के लिए कि आप इस मैच को खेलो, इसको पूरा करो, जो आपका टूर है उसमें सिर्फ एक मैच बचा है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अब इसके आगे के रेपरकशन क्या होंगे? ईसीबी बोलता है कि ये मैच फॉरफीट हुआ, बीसीसीआई बोलता है कि ये मैच हमने पोस्टपोन किया है, क्योंकि अगर ये मैच फॉरफीट डिक्लेयर हो जाता है तो ये सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी, इंग्लैंड को मैच अवार्ड कर दिया जाएगा, और उस कंडीशन में इंग्लैंड को इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, जो कि ये मैच होना था ओल्ड ट्रैफर्ड में, मैनचेस्टर में, जो कि लैंकाशायर काउंटी का ग्राउंड है। लैंकाशायर काउंटी को इस मैच के ना होने से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, $multi-million में उनको नुकसान हुआ है। तो अगर ये मैच पोस्टपोन होता है, अगर ये डिक्लेयर होता है कि ये मैच कोविड की वजह से पोस्टपोन हुआ, तो उनको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस के क्लॉज में ये है, अगर कोविड की वजह से होता है तो आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये इस तरह से हो जाए कि ये मैच फॉरफीट हुआ है, ये इंडियन टीम ने, और ये बात ध्यान देने वाली है कि इंडियन टीम में से कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं मिला, 18 प्लेयर्स हैं इंडिया के जो इस वक्त इंग्लैंड में है, तो 11 की टीम उतारी जा सकती थी, लेकिन
तो उन्होंने एंग्जाइटी की वजह से इस मैच को कैंसिल किया है। तो ये टेक्निकली देखा जाएगा तो ये 4 फीट की तरफ एक बहुत बड़ा लॉजिक है इंग्लैंड का, जो कि माना जा सकता है आईसीसी में। उस कंडीशन में ये 2-2 हो जाएगा। इंडियन बोर्ड ऐसा नहीं चाहता ऐसा हो, उनके पास एक गोल्डन चांस है, टीम ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा खेली, तो वो ये चाहते हैं जब नेक्स्ट ईयर इंडिया जाए इंग्लैंड में, इंडिया को जाने लिमिटेड ओवर सीरीज के लिए जुलाई में, तब आप इस मैच को वहां पर खेल लीजिए और इस मैच को फिफ्थ मैच की तरह ही ट्रीट करिए। इंग्लैंड अभी इसके लिए राजी नहीं है। हाँ, वो इस बात के लिए खुश है कि हम अगले साल एक टेस्ट मैच जरूर खेलेंगे, जिससे कि लैंकाशायर काउंटी को उसके नुकसान की भरपाई की जा सके। और लैंकाशायर पहले ही ये बोल चुका है कि जो भी टिकट्स के, जिन भी स्पेक्टेटर्स ने पैसे दिए थे, उन सबको वो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। और हजारों की तादाद में उन्होंने ग्राउंड्समैन भी इकट्ठा किए थे अरेंजमेंट करने के लिए, तो उनको भी हम उनकी पूरे 5 दिन की सैलरी देंगे, जो भी टेम्प्रेरी स्टाफ उन्होंने अरेंज किया था। तो इंग्लैंड बोर्ड यहाँ पर अपना रोल अच्छे से प्ले कर रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि ये फाइट अब कितनी अगली होने वाली है इंडिया और इंग्लैंड बोर्ड के बीच में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडियन बोर्ड भी इसमें झुकेगा। इंडियन बोर्ड इस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर कोई और बोर्ड होता तो अभी तक ये मैच 4 फीट ही डिक्लेयर किया जा चुका होता, इसमें कोई शक नहीं है। जस्ट बिकॉज इट इज़ इंडिया, इसलिए इंग्लैंड अभी इसको बोल रहा है कि इसको एमिकेबली हम जितना सुलझा सके उतना अच्छा है, क्योंकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ही जो एक बिग थ्री है, तो वो नहीं टूटने देना चाहते। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखें तो ये गलत हुआ। इंडिया, इंडियन प्लेयर्स ने थोड़ा इरेस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव किया है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, मतलब जो नेचर, वो गलत था कि उन्होंने वो बुक लॉन्च इवेंट ऑर्गेनाइज किया पूरा और उसमें उन्होंने प्रिकॉशंस नहीं लिए। उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि भाई सब जगह विंबलडन भी हो रहा था और सब चीज़ें हो रही थी और सब लोग जा ही रहे हैं इंग्लैंड में, तो हमने ऐसा क्या गलत कर लिया। लेकिन बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं है जितनी कि आपकी है। आप वहाँ पे टूरिस्ट की तरह गए हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था कि, और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम में से कोई पॉजिटिव आ गया तो पूरे टूर के ऊपर एक सवाल लग सकता है, और जैसा कि फिर वो हो गया। तो पहली गलती ये थी, और दूसरी जो हुई कि आपने मैच से 2 घंटे पहले ही आपने उसको मना कर दिया, क्योंकि एक सीधा सा सवाल है, क्या आईपीएल में ऐसा होगा तो आप इस चीज़ को मना कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इतना पैसा इन्वॉल्व है। और इसमें मैं पर्सनली प्लेयर्स को उस तरह से नुकसान, मतलब नहीं बोलूँगा कि वो गलत हैं, क्योंकि उनकी जगह हम अपने आप को भी रख कर देख लें तो हम लोग भी अपनी लाइफ में इसी तरह से रिएक्ट करते हैं कि जहाँ पर हमारा मॉनेटरी लॉस होने वाला होता है बहुत ज़्यादा, तो फिर हम उसमें अपने एथिक्स को या अपने वैल्यूज़ को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेते हैं। इसी तरह से लाइफ होती है, नो वन इज़ आइडियल। लेकिन वही है कि जब भी किसी को दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का मौका मिलता है तो वो उठाता है। तो इंडिया इस टाइम, इंग्लैंड के ऊपर आप उतनी उंगलियां नहीं उठा सकते इंग्लिश बोर्ड के ऊपर, क्योंकि उनका कोई भी प्लेयर पॉजिटिव नहीं मिला बायो बबल में। याद होगा आपको लास्ट ईयर जब जोफ्रा आर्चर बायो बबल को तोड़कर चले गए थे अपने घर, तो उनको हटा दिया गया था टीम से, उनके ऊपर बैन लगाया गया था, डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था, बैन नहीं डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था उनके ऊपर, तो बोर्ड ने स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए थे। यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोहली और शास्त्री के ऊपर इंडियन बोर्ड उतने स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेगा। हमारा कल्चर और बाकी का कल्चर अलग अलग है, हम लोग थोड़े वीआईपी कल्चर वाले हैं तो हम उस तरह से ट्रीट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन होगा उनके ऊपर। तो देखते हैं कि क्या होता है ये मैच, मतलब ये सीरीज, क्या 4 मैच की सीरीज पे ही खत्म हो जाएगी और इंडिया को 2-1 से विनर डिक्लेयर किया जाएगा, या ये फिफ्थ मैच 4-4 डिक्लेयर होगा और इंग्लैंड इस सीरीज को 2-2 से बराबरी करता है, या अगले साल जुलाई में हम इस सीरीज का फिफ्थ मैच देखेंगे। तो देखते हैं, और अब तो आईपीएल है, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, तो उसको एंजॉय करते हैं, ये तो चलता ही रहेगा। थैंक यू गाइज क्रिक फ्रीक्स का ये वीडियो देखने के लिए। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।